हेलो फ्रेंड्स, हेलो फूडीज। हम लोग आज अहमदाबाद के एक नए फूड डेस्टिनेशन पे आए हैं। ये है महालक्ष्मी फास्ट फूड, नोन एज MLF फ्रैंको। ये पॉपुलर है अहमदाबाद में फ्रैंकीज बनाने के लिए, और पायरीज है ये लोग। ये एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू ब्रिंग फ्रैंकीज टू अहमदाबाद एंड देन टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इट एंड क्रिएटेड इन द वे दैट suits the Ahmedabadi taste buds, Ahmedabad ke swad ke anusar इन्होंने Frankie को develop किया, और ये बहुत popular है। हम अभी हमारे साथ है इसके owner Mr. Hemal और यहाँ के manager Mr. Om। अब इनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे और अच्छा सा Frankie का taste करेंगे, इनके varieties के बारे में जानेंगे। Hemal भाई, आप ये जर्नी के बारे में, आपके फूड जर्नी के बारे में, फूड एंटरप्रेन्योर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, आपका ये सफ़र के बारे में? અમે લોકોએ જ્યારે કરી જ્યારે હું જસ્ટ બોમ્બે હતો, બોમ્બેથી અમે વિકેટ કરવા માટે અહીંયા ઘરે હોમ ટાઉન આવ્યા હતા, એ વખતે અમે જોયું માર્કેટ ફર્યા, તમને એ વખતે ફેંકીને કે વડાપુર કે ખાસ વસ્તુ અમે જોવામાં નથી મળતી, એટલે અમે લોકોએ ટ્રાય કર્યું કે ચાલો આપણે એકવાર ટ્રાય કરીએ। એચએલ રોડ ઉપર અમે એક ભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને એચએલ માર્કેટ મેન મૂકી અમે ટ્રાય ચાલુ કર્યો, તો અમે સદરવાજમાં 20 ફ્રેન્કી તો બનાવી, તો અમને રિસ્પોન્સ સારો મળ્યો, ને એ પછી કસ્ટમરના રિવ્યૂ આવ્યા કે તમે અમદાવાદના તરીકે તમે સ્વીટ એન્ડ સ્પાઇસી તમે કરો, તે પ્રમાણે અમે ડેવલપ કર્યો ટેસ્ટ, અને કસ્ટમર જે કસ્ટમાઇઝ કરવાનું કે એ પ્રમાણે અમે કસ્ટમાઇઝ કરતા ગયા છે, અને આજે અમે જે લેવલ ઉપર છે એ આજે અમારા કસ્ટમર જે છે કોલેજમાં સ્ટડી કરીને આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા જતા રહ્યા છે, અને જે જ્યારે પણ રિટર્ન આવે તો અમદાવાદ નજીક આવે છે, તો એ આજે આજની તારીખમાં એ અમારી જોડે આવે છે કે ચલો આપણે MLA ઉપર જઈએ। जैसे हेमल भाई ने कहा कि इनके पास ये काफ़ी टाइम से फ्रैंकीज कर रहे और उन्होंने टेस्ट डेवलप किया। अहमदाबादी ओवरऑल आर पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट न्यू फूड और फूड वेरी वेरी वेल अंटिल इट सूट्स देयर टेस्ट बड्स, एंड उसके लिए हेमल भाई हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग व्हाट इज डन एंड क्रिएटेड अ मेन्यू दैट इज डिजाइन टू द पैलेट ऑफ अहमदाबाद। और जैसे ये कह रहे थे, ही गॉट लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स जो आते हैं बाहर से, जब वापस विजिट के लिए आते हैं, दे कम एंड मेक श्योर दे कम एंड ईट, यहाँ पे आके खाते, और इनका फूड जर्नी बहुत बहुत बढ़िया है। लाइक मेनी अदर फूड एंटरप्रेन्योर्स, इन्होंने स्टार्ट किया था एज अ रोड साइड वेंडर वहाँ पे, यहीं पे HL कॉलेज रोड में जो अभी दुकान है, इससे कुछ फीट आगे इनका वैन रहता था, फूड वैन रहता था, वहाँ से आज उन्होंने ये कैफ़े सेटअप किया, और ये कैफ़े में मेरे ख्याल से आप बता रहे थे फ्रॉम मिल्क शेक्स टू फ्रैंकी काफ़ी कुछ है, तो इट इज अ नाइस प्लेस टू विजिट। आपको बहुत वैरायटी मिले सिर्फ फ्रैंकी में, बट डेफिनेटली आपके फ्रैंकीज बहुत पॉपुलर है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, एंड इट इज़ फेमस विद यंगस्टर्स, कॉलेज गोअर्स एंड एल्डरली अलाइक, बट मोस्ट ऑफ हिज क्लाइंट्स आर ऑफिस गोअर्स हू वांट अ क्विक बाइट। एनीवेज, लेट्स गो ऑन एंड आस्क ओम अ फ्यू क्वेश्चंस। ओम, आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे आपके फ्रैंकीज में सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्या लोग पसंद करते हैं? हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है MLF फ्रैंकी, अच्छा, जो हमने डेवलप किया हुआ है। उसके अंदर क्या होता है कि वो फ्रैंकीज हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, वो सबसे अच्छा। MLF में जनरली क्या होता है? MLF में हमारा पनीर है, मंचूरियन है, नूडल्स है, मेयो है, सेजवन है, सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है उनको। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अभी मैंने इनका मेन्यू देखा और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये फ्रैंकी में, इनका फ्रैंकी बेसिकली आप चार फ्लेवर में डिवाइड कर सकते हैं। सो देयर इज इंडियन फ्लेवर फ्रैंकीज, देयर इज योर टिपिकल American and South American flavored Frankies like the Mexican Frankie or the American sweet corn Frankie. You have got certain things which are very South Asian and Indian Chinese flavors wale Frankie, jisme noodles bhi milenge, Szechuan sauce milega obviously. So it's a very interesting range of eating Frankie, jisme har insaan apne har type ke flavor ko enjoy kar sakta hai, but in the format of a Frankie. So this is really going to be interesting. Let's go forward and eat some Frankie, look how it's made, and enjoy this. Thank you.
Now, when someone is proud of their product, they display. And Hemal Bhai has been very grateful to show us a display of the spices and the mix of spices and flavors that they have actually developed and curated for their own, उनके खुद के store के लिए उन्होंने ये किया है और कहते हैं कि इसमें इनके पास mixes है जहाँ इन्होंने spices source किया है from Turkey and from California ताकि वो authenticity मिले. They have been doing this and they are developing it and the thing is I can smell beautiful aromas here. I can smell really nice aromas here. So I'm sure that when you put this into the food, it's gonna be some magic on my palate, and I'm looking forward to it. And trust me, when someone is ready to display what ingredients they put and show it off, there's something about the passion and the quality with which they are serving people. And obviously, that is a big thing to actually enjoy and understand. I have been served their famous signature Frankie, which is इसका नाम क्या है? MLF Frankie. ये MLF Frankie है और ये actually हम बोल सकते हैं एक houseful Frankie है. अब हमारे पास हेमल जी हमें बताएंगे कि ये क्यों houseful Frankie है, इसमें क्या क्या आता है? उसके अंदर है ना vegetables है, इसमें कॉबीज आता है, शिमला आता है, ऑनियन आता है, वो उसको सेलो फ्राई करते हैं. उसके अंदर मंचूरियन, पनीर, नूडल्स, सिजवान मायो एंड चीज, ये सब अंदर इंक्लूड आता है. इसके लिए वो एकदम हैवी हो जाता है. तो जैसे मैंने कहा, ये एक हाउसफुल फ्रैंकी एक काफ़ी है पेट भरने के लिए. बहुत ब्यूटीफुली पैक्ड है, बढ़िया दिख रहा है एंड आई एम गेटिंग द फ्लेवर्स, नाइस फ्लेवर्स. आई एम गोना ओपन इट एंड इट इज ब्यूटीफुली पैकेज फॉर अ लोकल अहमदाबाद ब्रांड टू पैकेज इट सो वेल. दिस इज अमेजिंग. आई एम लविंग इट. Wow, look at that. That is loaded with cheese. And apparently, उन्होंने कहा कि इसमें vegetables हैं, like cabbage and green peppers and some spices. Obviously, the spices that we saw, some of them, there's Szechuan sauce, there's mayonnaise, there is the Manchurian balls, there are paneer in there. So that is pretty awesome. I'm looking forward to my bite. That was a mouthful. It had a lot of cheese, a lot of flavors. It's very interesting on the palate. It's intense, it's spicy, but yet it is very subtle. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया. एकदम अहमदाबादी स्वाद के मुताबिक चटपटा है. परफेक्ट. फ्रैंकी बना था सबसे पहले बॉम्बे के स्ट्रीट फूड सीन में. वहाँ ये इंस्पायर हुआ था लेबनीज और साउथ अमेरिकन बुरीटोज से. इसका दूसरा नाम, फ्रैंकी का दूसरा नाम वर्ल्ड वाइड एक पॉपुलर जो इंडियन फ्रैंकी है उसका नाम है बॉम्बे बुरीटोज भी बोलते हैं, रोटी रैप भी बोलते हैं. इट इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ समथिंग मेनी थिंग्स सिमिलर टू दिस इज काठी रोल फ्रॉम कैलकटा दैट इज एंड इट इज एंड दिस फ्रैंकी इज वेरी मच इंडियन विद अ लॉट ऑफ इंडियन फ्लेवर एंड इट्स अडैप्टेड वेरी वेल. इट्स द सोर्स ऑफ फास्ट फूड दैट पीपल इंजॉय. It's on the go, you see, it's on the go. Grab it, eat it, enjoy it. And I think the size of the Frankie and everything that they do here, yahan pe jo bhi hai, ek Frankie kaafi hai. It's a good meal, it's a good meal supplement. Aap ise ek Frankie order karenge to pet bharega, guarantee hai. It is a wholesome food, so aapko fill up karega. Anytime you're hungry, craving for a good bite of flavors,
आई थिंक महालक्ष्मी इज द प्लेस, यहाँ पे आके इनके फ्रेंकी टेस्ट कीजिए, आई एम श्योर यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई एम लविंग गाइज। हमारे चैनल पे पहली बार महालक्ष्मी की ओर से आप देखने जा रहे हो देयर न्यू एंड लेटेस्ट आइटम ऑन द मेन्यू। दिस इज कॉल्ड थिन क्रस्ट फ्रेंकी एंड बेसिकली इट लुक्स लाइक पिज्जा एंड इट्स ऑन अ फ्रेंकी एंड आई एम लुकिंग फॉर टू हैविंग इट। दिस हैज गॉट अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स, दे आर गोना डू इट इन अ लॉट ऑफ वेराइटीज, जस्ट लाइक हाउ जैसे उनके पास फ्रेंकी में वेराइटीज है वैसे ही इसका वेराइटीज निकलने वाला है। और ये बेसिकली एक थिन क्रस्ट फ्रेंकी है, ओपन फ्रेंकी, जिस जो ऑलमोस्ट पिज्ज़ा जैसा दिखता है, पिज्ज़ा है नहीं बट आपको पिज्ज़ा का फ्लेवर और सेंसेशंस मिलेगा अलॉन्ग विथ फ्रेंकी। सो आई एम रेडी टू ग्रैब अ बाइट एंड ओम ने हमारे लिए स्पेशल बनवाया ताकि हम टेस्ट कर सकें, ताकि हम आप तक पहुँचा सकें कि ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ हो रहा है। और इस इनोवेशन में भी अगेन महालक्ष्मी फास्ट फूड इज टेकिंग a new dimension in the fast food industry. So let's look forward to what it is and enjoy. It's beautifully made. I can feel a crisp base, which is the franky base which has been cooked. जो क्रिस्प है इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिंग्स है, चीज है, सॉसेस दिख रहे हैं, लुक्स नाइस, लुक्स इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर जिन लोगों को बहुत सारा चीज और फ्लेवर्स पसंद है एंड स्ट्रीट फूड से जो फैसिनेटेड है उन लोगों को इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम गोना टेक अ ग्रैब। दैट इज इंटरेस्टिंग। तो आप फूड ट्रेंडिंग में सबसे नया कोई चीज़ खाना चाहते हैं, अंदर में लॉन्च हुआ है तो फ्रेंकी थिन क्रस्ट खाना है तो यहाँ महालक्ष्मी में आइए एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक आइटम है जो सिर्फ ये कर रहे हैं। आज पहली बार इन्होंने ये इसके फोटोग्राफ्स और टेस्टिंग करवाया है और हम कर रहे हैं और बढ़िया है। सो यू नो वेयर टू कम, इट इज़ ऑन दी HL रोड, HL कॉलेज रोड पे है। MLF फ्रेंको का अहमदाबाद में चार जगह आउटलेट से, एक यहाँ जो HL कॉलेज के पास है, दूसरा मणिमणी वो कैफे में है, अर्बन चौक और अर्बन चौक में। सो प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू एंजॉय दिस फ्लेवर्स एंड द फूड फ्रॉम महालक्ष्मी then please go to these places or Baroda maybe apparently Sayajigunj mein. So there's a lot of places you can enjoy this amazing feast of culinary delight, street culinary delight, and it's brilliant. Guys, we have got our final dish. हमारा final dish यहाँ आ चुका है। ये यहाँ पे फ्रेंकीज के अलावा कुछ बारबेक्यू भी करते हैं और ये इन्होंने जो हमें दिया है वो है एक सोया चॉप्स और पनीर का मिक्सचर बारबेक्यू, जिसके अलावा थोड़ा सैलड है, चटनी है, ये हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये सब के साथ जैन लोगों का जैन फूड में भी बहुत ऑप्शन है, राइट? ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सो इफ यू हैव दोज काइंड ऑफ फूड रिस्ट्रिक्शन, यू वांट टू लुक इनटू ईटिंग जैन फ्रेंकीज एंड जैन बारबेक्यू फूड, दिस इज अ गुड प्लेस, दे डू हैव देयर गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, सो लुक फॉरवर्ड टू इट। नाउ आई एम टेक अ बाइट, आई एम अ बिग फैन ऑफ पनीर एनीवे, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दिस लुक्स नाइस, इट्स बीन कुक्ड वेल and let's have a taste of it. Nice flavor, brilliant. Again, like you said, got a lot of flavors, khatta meetha sa hai, chatpata hai. I get chatpata in this. ये आपने recently start किया है, ये what time से? नहीं, काफ़ी टाइम से है अपना। ब्रिलियंट। तो ये डिश है जो पॉपुलर है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसमें हमें अभी सोया चॉप और पनीर का ऑप्शन दिया है, इसमें मशरूम्स का भी ऑप्शन है, या आप सिंगल पनीर या सोया चॉप या मशरूम्स ओनली बारबेक्यू
ले सकते हैं, राइट। थैंक यू ओम जी, हमें बड़ा मज़ा आया खाने में, जैसे आपने बताया बढ़िया खाना। हमने कुछ कस्टमर से भी बात किया था एंड यंगस्टर्स लव द फूड, दे स्वेयर बाय द फूड, बहुत बढ़िया, दे कम हियर क्वाइट रेगुलरली, कॉलेज गोइंग क्राउड इज नाइस, द कैफे इज गॉट अ नाइस बज़, व्हेन यू कैन सिट इन सच अ लोकेशन एंड ईट स्ट्रीट फूड विद द सेम फ्लेवर्स एंड एट पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस, आई विल स्ट्रेस दैट द मेन्यू इज ग्रेट एंड दे आर पॉकेट फ्रेंडली, सो इफ यू आर कमिंग फॉर अ क्विक मील टू फिल योरसेल्फ अप एंड लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज पॉकेट फ्रेंडली, देन दिस इज द प्लेस, MLF फ्रैंको, वेयर यू कैन सिट in a good ambience, it's amazing. So great place to be. I think it's up and down on the Ahmedabad food map. Now, also one thing is they serve a lot of beverages, and this beverage of theirs is popular. Apparently, it's called the Surti Coco. The speciality of a Surti Coco is it's a chocolate drink. जिसमें वो लोग like others claim to not add any water. So it's a 100% milk based drink. Using milk only, not adding water, and I'm going to take a sip of it and tell you how good it is, and I am sure like everything else we tasted, this is going to be superb. Oh, that's yummy. Yes, my smile should tell you that this is good. This is one of the best cocoas I've tasted. It is amazing. So, okay, so thanks for being with us on this amazing food journey. We've seen some amazing food. We have found a new place, a very popular place of Ahmedabad, selling Frankies. And like I said, there's a history of Frankie. They were the pioneers to bring Frankie to Ahmedabad, to the streets of Ahmedabad. And now they have got a beautiful cafe, and they are selling at four locations in Ahmedabad and one in Baroda. So do visit them. And enjoy their food, and I'm sure you'll not be disappointed. And thank you, Mr. Om, for having us. We enjoy having you, being invited and tasting your food. And I'm sure you will keep tuned to India HD and look for more amazing food places in and around Ahmedabad city. And definitely, we're going to travel more and get you more food, more tasty food from probably somewhere around the country. Let's look forward to doing that. Cheers.